Hey guys, welcome back to Discovery Nearby. I am Sanket Kashyap और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक important accessory की जो कि है एक adapter. तो ये है 20 watt का adapter जो आपको Apple के iPhone के साथ लेना ही पड़ेगा मेरे according क्योंकि अब box के अंदर तो आपको adapter नहीं मिलता. तो लोग बहुत confused हैं कि 20 watt का लें या फिर कोई और कंपनी का कोई ज्यादा watt का ले लें तो फायदा होगा या नहीं होगा. और इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्वेरी है क्योंकि लोग एंड्रॉइड वालों में देख रहे हैं उनमें 210 watt तक के भी चार्जर आ गए हैं तो सोचते हैं 20 watt स्लो होगा. ये वो बहुत ज्यादा लोगों के मन में डाउट है तो आज उसके बारे में बात करूंगा. वैसे तो ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबी नहीं होगी, मैं शॉर्टकट में बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें इस हर किसी को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर आपने अभी नया आईफोन लिया है जिसके लिए आपको कांग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर आप एडाप्टर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मन में लेके थोड़ा डाउट्स आ रहे हैं ना क्यों इतने पैसे खर्चे, क्यों ना सस्ता ले लें. तो ये वीडियो उस डाउट को थोड़ा क्लियर करने के लिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जल्दबाजी में अपने फोन की बैटरी का बाद में नुकसान कर जाओ. और मेरे अकॉर्डिंग आप कोई भी एडाप्टर लेने का सोच रहे हो, आपके पास कोई भी एप्पल डिवाइस है मतलब आईफोन है या आईपैड है, तो 20 वॉट का एडाप्टर बहुत बढ़िया है. और अगर आप आईपैड भी देखोगे तो उसके साथ जो अप्लाई होता है यही 20 वॉट का जो एडाप्टर है वो अप्लाइड होता है. तो मैं आज मैं बताऊंगा आपको क्यों इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो इसके बारे में होगी. तो पहले बता दूं कहीं से भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया. ऑब्वियसली बात है किसी भी कंपनी में इतना टाइम तो नहीं होगा कि वो एडाप्टर को स्पॉन्सर करवाए मुझसे, लेकिन मुझे आपकी मदद करनी थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं क्योंकि लोग इसके बारे में मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हैं. तो अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है जो आपके काम की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, तभी तो मेरा मन करेगा ना इस तरह कि आपके डाउट्स की भी वीडियो बनाने का. तो चलिए सबसे पहले आप इसकी एक अनबॉक्सिंग दिखाइए. तो ये है हमारा पैकेज. अब ये मैंने apple.in से परचेज किया था क्योंकि उससे पहले मैंने apple.in से कोई चीज परचेज नहीं की थी, मैं हमेशा Amazon से या Flipkart से प्रेफर करता हूँ. तो मैं एक्सपीरियंस भी लेना चाहता था कि कैसी डिलीवरी स्पीड है और लिटरली इनकी डिलीवरी स्पीड काफी तेज थी, मतलब बहुत जल्दी इन्होंने मुझे डिलीवर कर दिया और काफी अच्छी पैकिंग के अंदर आया है. आप देख सकते हैं मतलब अच्छे से सील विल दी हुई है, मतलब बढ़िया पैकेजिंग लगी मुझे, पैकेजिंग में कोई भी नो कंप्लेंट और डिलीवरी भी बहुत बढ़िया थी. और ये देखिए अंदर उस बड़े पैकेट के अंदर फिर एक और पैकेट है, इसके अंदर मतलब बबल रैप से हैं, ये इसलिए हैं ताकि आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हो. तो पैकेजिंग बहुत बढ़िया है और आप एक्सपेक्ट करते हो ये एक प्रीमियम ब्रांड की तरफ से अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करोगे. मैं अनबॉक्सिंग इसलिए दिखा रहा हूँ, मतलब वैसे तो देखो एडाप्टर के अनबॉक्सिंग में ऐसी कोई खास चीज़ तो नहीं निकलेगी, लेकिन मैं आपको अनबॉक्सिंग इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ओरिजिनल जो एडाप्टर होता है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है क्योंकि मार्केट में फेक एडाप्टर भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं. और ये है इनका इनवॉइस मतलब बिल, ये है अपना एडाप्टर का बॉक्स. अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर वही सील है ग्रीन कलर की जो कि आपको आईफोन के ऊपर देखने मिलती है. तो ये इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया, ये हर चीज के ऊपर देखने को मिलती है अब इनके, अगर चाहे एप्पल का ओरिजिनल केस लो चाहे आईफोन लो. तो इसे करते हैं पील और यहाँ से सील टूट गई. तो ये चीज बहुत बढ़िया है कि इसे अब दोबारा से नहीं जोड़ा जा सकता, मतलब आपको पता चल जाएगा यूज है या नहीं है. और ये है हमारा एडाप्टर, इसे पुल करते हैं और ये देखिए ये है हमारा एडाप्टर. इसके ऊपर भी इन्होंने एक फिल्म चढ़ा रखी है, थोड़ा प्लास्टिक सा रैपर है काफी सॉफ्ट सा. ये है हमारा एडाप्टर. इसके साथ साथ बॉक्स के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन उस डॉक्यूमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एडाप्टर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में. तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली. तो अगर आपको इस वीडियो के दौरान कभी भी खरीदने का मन करे इस चार्जर को, इस अडाप्टर को, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीदना ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल सके और मेरे चैनल थोड़ा प्रमोट हो सके. तो अब मैं इसके कुछ फायदे के बारे में बताता हूँ कि क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्पल का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि ये एक कॉन्स्टेंट आपको चार्ज सप्लाई करता है आपके फोन करने के लिए. तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है इसके अंदर, मतलब जो आप अगर थर्ड पार्टी या कोई भी ऐसे छोटे मोटे ब्रांड का अगर चार्जर ले लोगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो हाई ब्रांड की तरफ से आते हैं मतलब अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड की तरफ से आते हैं, मैं उनकी बात करना अगर आप कोई लोकल कोई डुप्लीकेट चार्जर ले लोगे तो जो वोल्टेज होती है वो सप्लाई करता है वो अनइवन सी करता है जिसकी वजह से आपके फोन की बैटरी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है. तो इस चीज का आप ध्यान रखें. और ये एप्पल की तरफ से रिकमेंडेड है कि अगर आप कोई भी एप्पल डिवाइस यूज कर रहे हो तो कोशिश करें कि ओरिजिनल एप्पल प्रोडक्ट यूज करें. और ऑब्वियसली बात अगर आप 70-80 हज़ार का कोई फोन ले ही रहे हो तो एक 1800-1900 के चार्जर में तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है और ऐसा नहीं है कि इसी फोन के साथ चलेगी. आगे फ्यूचर में आप अगर कोई भी फोन लोगे कोई भी आईफोन लोगे तो उसके साथ काम में आएगी क्योंकि इसके अंदर USB-C है. तो आप अगर एंड्रॉइड यूजर हो तो भी, मतलब कल को आप एंड्रॉइड पे स्विच कर जाओ तो भी आपके साथ काम में है क्योंकि किसी भी फोन के साथ अब जो मेजर बड़े फोन है उनके साथ अडाप्टर तो आता नहीं. दूसरी चीज उसके अंदर है कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई इसका चार्जिंग टाइम स्लो होगा. तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्पल ने 20 वॉट पे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप बड़े वॉट का चार्जर यूज करते हैं, मतलब अगर सपोज आप जो एंड्रॉइड वगैरह में आ रहे हैं बहुत हैवी चार्जर 60-60 वॉट के चार्जर है, तो अगर आप ज्यादा वॉट का चार्जर यूज करोगे तो वो रिजल्ट करेगा ज्यादा हीट जनरेशन में. हीट जनरेशन की वजह से आपके जो
बैटरी है उसको नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ उसके कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है जो कि बहुत हार्मफुल है आपकी फोन की हेल्थ के लिए और आपकी फोन की बैटरी हेल्थ के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 20 वॉट सफिशिएंट है, इससे पहले 5 वॉट आता था वो मैं फिर भी मान सकता हूं स्लो है, लेकिन 20 वॉट सफिशिएंट है। और जो आईफोन की स्पीड है, जो चार्जिंग स्पीड है, वो सबकी ऑलमोस्ट सेम है। मतलब अगर आप देखोगे, मैंने एक चार्जिंग टेस्ट भी किया है, वो वीडियो आप चेक कर लेना, 13 को और 14 प्लस दोनों में बैटरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 13 की बैटरी छोटी है एज कम्पेयर टू 14 प्लस, लेकिन दोनों को चार्ज करने का टाइम ऑलमोस्ट सेम है। अब वो इस वजह से है क्योंकि जो आईफोन के अंदर है AI है, जो आपका फोन 50% तक तो बहुत जल्दी चार्ज कर देता है, फिर थोड़ा स्लो कर देता है, 80% बाद और स्लो कर देता है। वो इसलिए करता है ताकि ज्यादा हीट जनरेशन ना हो, क्योंकि जब फोन फास्टली चार्ज होता है तो हीट ज्यादा जनरेशन होती है, जैसे मैंने बताया बैटरी और इंटरनल कंपोनेंट को नुकसान हो सकता है। तो 20 वॉट का चार्जर आपके आईफोन के लिए बिल्कुल ऑप्टिमाइज है। अगर आप 30 वॉट के चार्जर से ज्यादा यूज करोगे तो बैटरी हीट ज्यादा होगा, चार्जिंग टाइम में बहुत कम डिफरेंस महसूस होगा। और आईपैड को भी, आईपैड की बैटरी देखो आईफोन से बहुत बड़ी है, तो उसके साथ भी यही अडैप्टर सप्लाइड है और उसको भी ये उसी टाइम पर चार्ज कर देता है जितने टाइम पर आईफोन को करता है। तो समझ रहे हो आप, ये बहुत सफिशिएंट है आपके फोन को चार्ज करने के लिए और आपको इसी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये है मेजर रीजंस कि ये क्यों, सबसे पहले सिर्फ 20 वॉट का चार्जर क्यों लेना चाहिए और क्यों आपके आईफोन के लिए बढ़िया है। तो अगर आपको अभी इन्वेस्ट करने का मन कर गया है, मतलब समझ गए हो ना कि यही खरीदना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद लो ताकि आपको बेस्ट प्राइस मिल सके और मेरे चैनल पर प्रमोट हो सके। और एप्पल से रिगार्डिंग, उनके एक्सेसरीज से रिगार्डिंग और भी वीडियो चैनल पर मौजूद है, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। और अगर भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर देना, और अगर DM कर ही रहे हो तो फॉलो भी कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।